हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है? तो यार बहुत देर बाद मुलाकात हो रही है, मुझे पता है, क्योंकि मैंने व्लॉग बनाने छोड़ दिए थे। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि क्यों मैंने व्लॉग बनाने छोड़ दिए थे, और उसी का रीज़न तो बताऊँगा और वापस से शुरू करूँगा एक नई शुरुआत के साथ। तो अभी मैं फ़िलहाल दिल्ली में हूँ, साइकिल चला रहा हूँ क्योंकि ऑटो वाटो बहुत महंगे पड़ते, तो मैंने साइकिल ले लिया। बढ़िया है हेल्थ के लिए भी, गर्मी में पैदल तो चलते वो भी सही है। तो मैं कुछ काम से आया था दिल्ली, तो साइकिल ले लिया और आपको दिखाता हूँ व्यू। तो इस टाइम पे मैं हूँ कैनॉट प्लेस में। तो अभी तो मैं यहाँ पे शॉपिंग पे आया हूँ कैनॉट प्लेस में, बट मैं आपको बताऊँगा कि क्यों मैंने व्लॉगिंग बीच में छोड़ दी थी और इतने महीनों बाद वापस मैं शुरू कर रहा हूँ। सो जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स, मैं एक बार सामान ले लूँ, थोड़ा बहुत ले चुका हूँ, तो उसके बाद मैं वापस से शुरू करता हूँ। यार कुछ पसंद तो आया नहीं, अभी चलते हैं, दोस्त आ रहे हैं एक अपने, उनसे मिलते हैं पहले। बाकी बस मैं अभी एक बार दोस्त से अपने मिल लूँ, पुराने एक्स कुलीग है टॉक चर्च के जो आ रहे हैं, और सारी कहानी इससे बाद मैं थोड़ी सी बताऊँगा। तो अब व्लॉग्स आते रहेंगे, तो सब्सक्राइब कर लेना और मैं अब कंटिन्यू हो जाऊँगा, मतलब कंटिन्यू करूँगा सब कुछ। बहुत देर से सब ने मेरे को पूछा कि तूने व्लॉग बनाने क्यों छोड़ दिए, तो वो रीज़न अभी जल्दी आपको पता चलेगा। तो भाई जिनकी मैं बात कर रहा था वो आ चुके हैं। तो हम लोग बहुत देर बाहर मिल रहे हैं, आप लोगों ने शायद इनको पहले भी देखा होगा कभी, बहुत टाइम पहले। लेकिन अब हम लोग मिल रहे हैं बहुत देर बाद और बहुत सारी बातचीत करेंगे। लेकिन मैं बताऊंगा मैंने आज ही व्लॉग बनाने दोबारा शुरू क्यों किए हैं। बड़ी देर बाद बना रहा हूँ, छोड़ दिए थे काफी टाइम से नहीं देखा। तो वही तो सीन हो गया था बहुत, तो किसी को भी नहीं पता क्योंकि मैंने डाला ही नहीं है कुछ फरवरी एंड के बाद से। तो अब वापस शुरू करेंगे, पहले हम लोग खा पी लेते हैं, कुछ भाई को खिला लेते हैं, फिर उसके बाद शुरू करते हैं। भूख लग रही है, चलो। तो भाई हम लोग खा रहे हैं यहाँ पे ये सब, तो अभी बातें चल रही है बहुत सारी क्योंकि एक साल बाद मिल रहे हैं, तो अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। ये मील हमारा हुआ है एक घंटे में खत्म, इतनी बातें की है हमने, और अब हम और लेने जा रहे हैं क्योंकि मेरी साइड की स्टोरी अभी मेरी साइड की स्टोरी हो गई है, अब इनकी साइड की स्टोरी की बारी है। एक साल बाद मिलके यही होगा ना कि क्या क्या जिंदगी में हुआ है, तो वो सारी बातें करेंगे। लो जी मौसम तो हो गया यहाँ पे सही वाला ठंडा, बढ़िया बादल आ गए हैं, और अब हम जा रहे हैं अपने अपने रास्ते, जिसमें मेरे को जाना है गुड़गांव की तरफ और इनको जाना है अपने घर की तरफ। हम असली नहीं बताएंगे ये कहाँ जा रहे हैं। वो सीक्रेट है, वो बहुत तगड़ा सीक्रेट है, बहुत सरप्राइजिंग है, बहुत कुछ हो गया एक साल में। और मेरी भी एक्स्ट्रो से इंट्रो कैसे बनते मतलब दिख ही रहा होगा आपको कितना इंट्रो है। बट मजा आया आज बड़ी देर बाद यहाँ मिलके। चलो फिर अब मिलते हैं, अभी बाद में बात करते हैं। दिल्ली के कैनॉट प्लेस में सबसे फेमस साउथ इंडियन हाई क्वालिटी वेजिटेरियन रेस्टोरेंट सर्वना भवन, रश देख सकते हो आप लोग। और ये मोंगरे के वो गजरे जो बनते हैं वो देखो, वो भी बन रहे हैं। तो अभी मैं आया हूँ लाजपत नगर किसी काम से, बस फिर घर जाऊँगा तो आपको बताऊँगा कि मेरे साथ हुआ क्या है। और आज ये पहला व्लॉग जो है इसके बारे में बोल चुका हूँ, मतलब तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या सीन है भाई। सारा जो भी है बहुत बीटी हुई थी, बहुत बेसिकली सीन ख़राब हो गया था मेरा, तो अब जाके मैं शुरू कर रहा हूँ दोबारा से। तो यार मैं अब आ चुका हूँ घर, और सीन ये है कि जो रीज़न है मैं बताने वाला हूँ, बात ऐसी है कुछ कि मेरा ना लैपटॉप, हार्ड डिस्क, पर्स, तो पूरा जो बैग था जो ज़िंदगी में नहीं गुमना चाहिए, नहीं चोरी होना चाहिए, वो चोरी हो गया था। तो इसकी वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, एंड उसी के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। सो सबसे पहले ये चोरी हो गया, जिसमें मेरे बहुत सारे इम्पॉर्टेंट डेटा थे, एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स थे, इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, एंड ये सारी चीज़ें बर्बाद हो गई। गुस्सा तो बहुत आया, टेंशन हो गई थी भाई, एकदम ही दिमाग फट गया कि बेंचो अब मैं करूँगा क्या। और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट, डीमोरलाइज हो गया था, और नहीं कर रहा क्योंकि एक फ़्लो बना हुआ था, चल रही थी चीज़ें सारी, व्लॉग वगैरह, ऑफिस का भी काम, तो ये सारा कुछ एकदम बैठे बिठाए एक रात मिट्टी हो गया। तो फिर मैंने सब छोड़ दिया, व्लॉग बनाने छोड़ दिए, क्विट कर दिए।
लेकिन उसके बाद आगे क्या क्या हुआ वो सारा अब मैं आपको बताऊंगा तसल्ली से, और ये जो है अब कांस्टेंट होने वाला है, तो सारे व्लॉग्स आएंगे। और अभी ये वाला तो मैं यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि मैंने खाना मंगवाया था, भूख लगी थी तो मैं खाने लगा हूँ। एंड इसके बाद आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा कि हुआ क्या एग्जैक्टली। तो एक एक करके सारी चीज़ें बताने वाला हूँ और फिर से सारे व्लॉग्स जो है शुरू करने वाला हूँ। और हाँ, ये सब हुआ था 6 महीने पहले, तो आज जो व्लॉग बना रहा हूँ इससे 6 महीने पहले, यानी कि 1 मार्च को। और आज कुछ और स्पेशल भी है, वो आपको थोड़े महीनों के बाद में व्लॉग में दिखाऊंगा। लेकिन 6 महीने पहले जो मेरी हालत थी, जो कुछ अभी मैं अगले व्लॉग में बताऊंगा, और आज के दिन में जो है बहुत कुछ बदल गया, बहुत कुछ चेंज हो गया। तो सारी चीज़ें अब हर व्लॉग में आपको बताने वाला हूँ। तो चलो अब मैं खाना खा लूँ पहले, चल खाएँ फटाफट।